हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरी अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आज करवा चौथ है, तो करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी सब्सक्राइबर्स को। और जैसा कि डेली का रूटीन है, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। झाड़ू आज मिस्टर जी ने लगाई, क्योंकि मैंने मना किया था, मिस्टर जी ने मना किया कि नहीं मैं खुद ही लगाऊंगा, तो फिर झाड़ू मिस्टर जी ने लगाई और पोछा मैंने लगा दिया है। किचन भी मैंने साफ़ कर दिया, मंदिर का जो एरिया है पोछा लगा के मैंने क्लीन कर दिया है। और अब मैं बनाऊंगी मिस्टर जी और अद्विका के लिए नाश्ता। और नाश्ते में क्या बनाती हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगी जब बना लूंगी, क्योंकि मिस्टर जी कह रहे रोटी तो मत बनाओ, तो रोटी तो नहीं बनेगी। पर देखती हूँ क्या बनाती हूँ लोगों के लिए। और मेहंदी की बात करूँ तो ये मेहंदी मैंने लगाई थी कल रात को, बहुत सुंदर कलर आ रखा है। और ये वाली मेहंदी लगाई थी सोनम ने, ये भी बहुत सुंदर लग रही है। और इसका कलर ज़्यादा डार्क है क्योंकि ये बहुत पहले लग चुकी थी। और सोने की बात करूँ तो कल रात मैं ना 2 बजे तक सोई नहीं थी, साथ में लगी, फिर मैंने अपने पड़ोसी दीदी की बेटी के हाथों में लगाई, फिर जिसने मेरी लगाई सोनम ने उसके हाथ में लगाई, फिर वो अपने घर गई, उसके बाद मैंने अपने पैरों में लगाई और फिर इस हाथ में लगाई। ज़्यादा टाइम लगा मुझे क्योंकि इस हाथ में दर्द भी है ना, इससे मेहंदी नहीं लग पाई कुछ खास। और मैंने ना पैरों में भी लगाया, मैं पैरों की मेहंदी भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मैंने पैरों में लगाई, पायल वगैरह मैं बाद में पहनूंगी। सो हम लोग जा रहे हैं इस टाइम मंदिर, और मैं अभी सुबह के टाइम इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मिस्टर जी साथ में है। अब हम शाम को आएंगे सूर्य पूजन के टाइम पे, तो मैं और दीदी आएंगे सभी गहने पहन के, और उस टाइम मैं साड़ी पहनूंगी। इस टाइम मैंने सूट पहना है, और इनके ट्यूशन की बच्ची भी जा रही है आगे पे, इनका ट्यूशन है, वो यहीं से ट्यूशन निकल जाएंगे। तो हम आ चुके हैं मंदिर पे, मैं और मिस्टर जी। अभी सुबह के टाइम, अभी टाइम हो रहा है 9:30, और मैं मिस्टर जी के साथ इसलिए आई हूँ सुबह के टाइम क्योंकि अभी साथ में है। शाम के टाइम सूर्य पूजन के टाइम पे मिस्टर जी मंदिर में नहीं आएंगे मेरे साथ, तो मैं और पड़ोसी दीदी आएंगे, उस टाइम हम साड़ी वाड़ी पहनेंगे। इस टाइम पहन रखा है, ये देखो अद्दू जिद कर रही है मुझे घंटी बजानी है। और वेरी गुड, दोस्तों मंदिर से घर आ चुके हैं हम, और अब मैं लगती हूँ काम पे। पहले अपनी वेशभूषा बदलती हूँ, साधारण कपड़ों में आऊंगी, उसके बाद धुलूंगी कपड़े। तो अद्विका नहा के रेडी हो चुकी है, मैंने इसको आज फ्रॉक पहनाई है ना तू? हाँ, और अद्दू को नहाया भी मैंने, तैयार कर दिया है। और ये पजामा मैं कल अद्विका के लिए नया लाई हूँ करवा चौथ के लिए। अब जाती हूँ कपड़े धोने, मिलती हूँ मैं आप लोगों को बाद में। तो कपड़े धो धा के रेडी हो चुके हैं, और ये वाली जो रस्सी है एकदम झुक गई थी, ये मैंने अभी यहाँ चढ़ के ऊपर चढ़ के ये मैंने टाइट किया है इस वाली रस्सी को, जिसमें मैंने मिस्टर जी के कपड़े डाल रखे हैं। और लगभग मेरे सारे काम निपट चुके हैं, और अब मैं थोड़ा सा, वैसे मैंने आधा पूजा सुबह कर दी थी, आधी मतलब सामान रखना बाकी है, बाकी मैंने पूजा तो सुबह कर ली थी, और अब मैं वो सामान रखती हूँ चौकी में। और मैं आप लोगों को दिन में खाना बनाती हूँ, और अद्विका को मैंने मालिश करके नहला के सुला दिया है। दोस्तों नीचे तो मैं आ चुकी हूँ, अब मैं बनाती हूँ खाना, दिन का खाना इन दोनों के लिए। फिर मिस्टर जी से फ़ोन करूँगी कब तक आ रहे हैं वो, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी खाना बनाना। कल सामान लाई थी पूजा का और श्रृंगार का, अपने लिए, अपनी जेठानी के लिए, अपनी सासू जी के लिए, वो इसमें है। और मैं अब पहले चौकी लगा लेती हूँ। मैंने आप लोगों को शॉपिंग नहीं दिखाई, सिर्फ इतना बताया कि शॉपिंग की है, लेकिन दिखाई नहीं। वो जो मैंने अपनी जेठानी और अपनी सास के लिए ले रखा है सामान, वो मैंने इस थैले में रखा हुआ है, और इसको मैं अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं रहती हूँ इनके साथ, और जेठानी जी और सासू जी रहती हैं देहरादून, तो इस वजह से मैं बाद में ही दिखाऊंगी। जिस दिन उन लोगों को दूंगी उस दिन ज़रूर इसकी वीडियो बनाऊंगी कि मैं उनको क्या दिया, और उनका मैं आ गई हूँ पूजा घर पे, मैं रख देती हूँ इसको पूजा में, क्योंकि जो भी हम सुहाग की चीज़ सुहागन को देते हैं वो पहले पूजा में रखते हैं, उसके बाद। दोस्तों गहने मैंने पहन लिए हैं, और अभी टाइम हो रहा है दिन की 2, और 4:30-5 बजे से सूर्य पूजा का दिन है।
दोस्तों अभी शाम की बज रही है 4:20 और हम लोग जा रहे हैं इस टाइम मंदिर पे सूर्य की पूजा करने। और ये है मेरे हाथ में गेहूं के दाने, जो कि रिवाज है, रसम है कि ये 13 गेहूं के दाने लेके इसकी पूजा करनी है। सामने हम किसी भी कन्या से कथा सुनेंगे और उसके बाद जो भी हमसे दक्षिणा बनती है वो दक्षिणा हम कन्या को देंगे। और ये गेहूं को घर ला के चंद्रमा को इसका हम अर्घ देंगे रात को। ये सब इसका नियम है। और अब मैं जाती हूँ जल का लोटा लेके सामने मंदिर पे, बेलेश्वर देव मंदिर पे जाएंगे। मैं भी हूँ साथ में और दीदी भी जा रही है। अब हम लोग जा रहे हैं साथ में मंदिर, दीदी और मैं। और इस बार दीदी ने साड़ी नहीं पहनी है, सूट ही पहना है। और साड़ी पहनेंगे रात को, तो इनका लुक रात को देखने को मिल जाएगा। हो सकता है मैं साड़ी चेंज करूँ, और फिलहाल हमारा भी कहीं ये लुक है। और नथ मांग के कर दीदी मंदिर पे पहनेंगे। दोस्तों अब हम लोग साथ में जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर ही जा रहे हैं हम लोग इस टाइम। कार्तिक हिंदू माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दौरान किया जाता है। अमरनाथ पंचम के अनुसार करवा चौथ आश्विन माह में पड़ता है। हालांकि यह केवल माह का नाम है जो इसे अलग अलग करता है, और सभी राज्यों में करवा चौथ एक ही दिन मनाया जाता है। करवा चौथ का दिन और अंकष्ट चतुर्थी, जो कि भगवान गणेश के लिए उपवास करने का दिन होता है, एक ही समय होता है। विवाहित महिलाओं पति की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर से घर। हमने थोड़ी देर वहाँ पे कीर्तन किया और बहुत अच्छा लगा, और कीर्तन भी किया और डांस भी किया। मैंने बोला था ना दीदी मंदिर में पहनेगी नथ मांगटीका, मांगटीका फिर से संभाल दिया है और नथ पहन के हम घर जा रहे हैं। और दीदी ने तो हार भी पहन रखा है, मेरे पास हार नहीं है तो मैं इतने में ही ठीक हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि घर ये नहीं है कि वहाँ कुछ काम मिला हो करा हुआ, वहाँ घर जा रहे हम खाना बनाने के लिए। खुद के लिए चाय बनाएंगे और वो पियेंगे, पतिदेव हमारे सो रखे होंगे। दोस्तों कपड़े वपड़े चेंज कर दिए मैंने, साड़ी वगैरह। अब बनाते हैं खाना, और खाने में बना रही हूँ मैं आलू का साग, यानी कि आलू पूरी, और हलवा बनाऊंगी। और क्या कहते हैं, मैंने नथ पहनी हुई थी तो मैंने अपनी जो नोज पिन है वो मिस्टर जी को दे दी थी। मैंने कहा आप संभाल लो, मैं मंदिर जा रही हूँ। और उन्होंने अपने पर्स में रखी, वो अपने साथी दूध लेने लेके चले गए हैं, वो अब आएंगे 20-25 मिनट बाद। तब तक मैंने यहाँ पे बिंदी लगा रखी है, क्योंकि ऐसे नाक खाली नहीं छोड़ते, खराब मानते हैं, तो मैंने यहाँ पे बिंदी लगा दी है। करवा चौथ डेली हो जाए तो कितनी मजे आ जाए हम लोगों की। मैं दिखाऊँ क्यों बोल रही हूँ ऐसे, ये देखो मेरे मिस्टर जी को आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई है। मेरे साथ कोई हेल्प नहीं करता, कभी हेल्प कर रही। मेरे बाबू भी वहाँ पे आलू छील रही है, अद्दू के पापा भी आलू छील रहे हैं, और मैं यहाँ पे आटा गूंथ रही हूँ। देखना
लाया था मैंने हलवा, इसमें से मैंने प्रसाद बांट दिया इधर उधर अपने आसपास। और ये है आलू का साग और ये है पूरी। मैंने बस इतना ही खाना बनाया था और हम दो तीन ही लोग हैं खाने वाले, तो इस वजह से ज़्यादा क्या बनाना था। और मैं इन सबको ढक देती हूँ। और ये मेरी थाली, कटोरी लाए नहीं तो इसलिए इन्होंने थाली में ही डाल दिया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलती हूँ ऐसी नई वीडियोस के साथ नए दिन नए सुबह की शुरुआत से। जय देवभूमि उत्तराखंड, टाटा बाय बाय।